क्या वे प्रोटीन का ये सच आपको कर देगा बॉडी बिल्डिंग से दूर? क्या प्रोटीन के बड़े बड़े डिब्बे हमें पहुंचाते हैं नुकसान? दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आप लोगों ने एक नाम तो जरूर सुना होगा और वो है वे प्रोटीन, जिसके बड़े बड़े डिब्बे खाकर आजकल के नौजवान बॉडी बिल्डर बनने का सपना देखते हैं। लेकिन क्या वाकई में ये फायदेमंद है? क्या प्रोटीन के ये डिब्बे हमें फायदा पहुंचाते हैं या फिर सच्चाई कुछ और ही है? और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये वे प्रोटीन बनाया कैसे जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। दोस्तों, आजकल हर किसी को एक आकर्षक बॉडी चाहिए और बॉडी बनाने के लिए जिम में जितने पसीने बहाने पड़ते हैं ना, उतनी ही मेहनत हमें डाइट को सही करने में भी चाहिए होती है। एक बॉडी बिल्डर की डाइट में कुछ हो या ना हो, लेकिन प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए मार्केट में जब से वे प्रोटीन आया है, तब से इसने तो भैया तहलका मचा कर रखा हुआ है। असल में दोस्तों, वे प्रोटीन और कुछ नहीं बल्कि एक वेजिटेरियन सप्लीमेंट है, जो कि हमारी बॉडी में उन पौष्टिक तत्वों की भरपाई करता है जो खाने से नहीं मिल पाते हैं। अब लोग बोलेंगे, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पाउडर जैसी चीज भला हमें ताकत कैसे दे सकती है? तो दोस्तों, वे दही से चीज बनाने के बाद बचे हुए पानी को कहा जाता है, और ये जो पानी बचता है, इसी पानी से प्रोटीन निकाला जाता है, जिसे पाउडर के फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है, और इसे ही दुनिया वे प्रोटीन कहती है। सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आपको अमीनो एसिड और मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाने वाला ल्यूसिन भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है, और ये ना केवल मसल ग्रोथ करता है बल्कि इसे डाइजेस्ट करना भी बहुत आसान है। और जो लोग वर्कआउट करके पसीना बहाते हैं, उन्हें तो ये बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आमतौर पर शानदार बॉडी का मालिक बनने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जो कई बार लोग सोयाबीन पनीर और नॉन वेजिटेरियन चीजों को खाकर हासिल करते हैं। लेकिन इन सब को खाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कसर तो रह जाती है, और उसी को पूरा करने के लिए वे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, वे प्रोटीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें डेयरी फार्म की तरफ बढ़ना पड़ता है, जहां मौजूद गायों के प्राकृतिक दूध को बेहद शुद्धता के साथ निकाला जाता है। दोस्तों, वे प्रोटीन बनाने के लिए कुछ खास तरीके के मिल्किंग पार्लर भी बने होते हैं, जहां हर एक चीज बहुत ही स्वच्छता और सुरक्षा के साथ करी जाती है, और सभी गायों से दूध निकालने के बाद उन्हें लार्ज अमाउंट में टैंकर के अंदर भर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक भेज दिया जाता है। प्लांट के अंदर ये दूध बड़े बड़े गैलन में रखे जाते हैं, जिनकी कैपेसिटी 50,000 लीटर की होती है, यानी कि इतना दूध एक गैलन में स्टोर होता है, और इस तरह के कई सारे गैलन फैक्ट्री में मौजूद होते हैं, जहां पहले तो दूध की कंज्यूमिंग क्वालिटी को चेक किया जाता है, और फिर दूध को पैश्चराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां ये अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट किए जाते हैं, ताकि इनके अंदर मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया मर सके और ये दूध आम इंसान के पीने लायक बन सके। इसके बाद दूध को एंजाइम से प्रोसेस किया जाता है, और फिर दूध में से वे और कैसिन अलग किया जाता है। असल में दोस्तों, गाय के दूध के अंदर दो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटीन पाए जाते हैं, वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन। अब देखा जाए तो दूध के अंदर 80% तक तो सिर्फ कैसिन प्रोटीन की ही मात्रा होती है, जो दही पनीर जैसी अन्य चीजों में मौजूद होता है। अब जो बाकी का 20% होता है, उससे वे प्रोटीन तैयार होता है। हालांकि दूध में एंजाइम बढ़ने से ये दही और लिक्विड वे तरल पदार्थ में अलग हो जाते हैं, जिसे स्पेशल मशीन के जरिए किनारे कर दिया जाता है, और अब अलग किए गए वे प्रोटीन का पैश्चराइजेशन प्रोसेस करके बैक्टीरिया फ्री बनाया जाता है, और फिर स्टेनलेस स्टील के विशाल टर्बाइन में लोड करके इस माइक्रोफिल्ट्रेशन और लोन एक्सचेंज की मदद से वे में मौजूद फैट और लैक्टोज को बाहर निकाल लिया जाता है ऐसे। और ये सारे प्रोसेस को करने के बाद जो चीज हमारे हाथ लगती है, अरे यही तो है वो प्योर वे प्रोटीन। यस, यही है वो चीज। हालांकि लिक्विड होने के चलते इन्हें ड्रायर में डाला जाता है। दोस्तों, उस ड्रायर के अंदर गर्म और ठंडी दोनों तरह की हवा होती है, जिसकी वजह से इसका पानी आसानी से सूख जाता है, और फिर इन्हें क्रशिंग मशीन के जरिए पाउडर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, और फिर कुछ इस तरह से इसमें 80-90% आइसोलेटेड वे प्रोटीन हमें प्राप्त हो जाता है। ये लीजिए, मिल गया हमें पाउडर फॉर्म में वे प्रोटीन। अब दोस्तों, इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग करी जाती है, जिसकी वजह से आप इन्हें बिना किसी संकोच के अपने पसंदीदा फ्लेवर में पी सकते हैं। और आपने देखा ही होगा कि कैसे मैंगो से लेकर चॉकलेट, आज तो भाई हर फ्लेवर के प्रोटीन पाउडर आते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो ले जाओ। अब बात कर लेते हैं जरा पैकिंग की, जिसके लिए वेल टेस्टेड साफ सुथरे बड़े बड़े डिब्बे तैयार किए जाते हैं, और फिर उनके अंदर प्रोटीन को पैक किया जाता है। इसके बाद डिब्बों को ब्रांडिंग के लिए मशीनों में भेजा जाता है, और जब पूरी ब्रांडिंग वगैरह होकर डिब्बे सील हो जाते हैं, तो इन्हें बिकने के लिए भेज दिया जाता है।
दोस्तों वे प्रोटीन मार्केट में तीन अलग अलग तरीकों में उपलब्ध होते हैं, जिसमें से एक होता है आइसोलेटेड और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड और तीसरा होता है ब्लेंड वे प्रोटीन। दोस्तों इसके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में 80% प्रोटीन होता है। ये आइसोलेटेड के मुकाबले सस्ता होता है और इसके अंदर लैक्टोज की मात्रा भी कम होती है। दोस्तों पाउडर को तैयार करने के बाद अक्सर कार्बोहाइड्रेट और फैट को हटा दिया जाता है, लेकिन इसके कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दोनों ही चीजें मौजूद होती है। यानी कि अगर आप वर्कआउट के शुरुआती स्टेज में हैं और आपको कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड वे प्रोटीन को खरीदना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए शुरुआत में बेहतर होगा। वहीं अगर हम इसके आइसोलेटेड फॉर्म की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड से एक स्टेप ज्यादा फिल्टर होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पूरे 90% प्रोटीन होता है। और हाँ, इसके अंदर फैट बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसीलिए अगर आप लीन बॉडी बनाने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आपको ज्यादा बल्की और एकदम WWE टाइप बॉडी नहीं चाहिए, तो आप आइसोलेटेड वे प्रोटीन ले सकते हैं। खासतौर पर जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं वो आइसोलेटेड प्रोटीन का ही सेवन करते हैं। जब आप इसे घोल कर इसका पेस्ट बनाएंगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड के मुकाबले थोड़ा पतला होगा, क्योंकि इसके अंदर फैट और कार्ब बेहद ही कम होता है। अब अगर हम लास्ट में ब्लेंड वे प्रोटीन की बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेटेड और आइसोलेटेड का मिक्सचर होता है। ये मार्केट में सबसे सस्ता मिलता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों का हाल ठंडन गोपाल रहता है, यानी कि ज्यादा पैसे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें प्रोटीन की जरूरत होती है, उन्हें बॉडी बनानी है, तो उनके लिए ये बहुत ही किफायती होता है। और जो लोग सिर्फ अपनी बॉडी को अच्छे साइज और शेप में रखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक मैजिक से कम नहीं है। दोस्तों ये तो आप जान ही गए कि वे प्रोटीन होता क्या है, कैसे बनता है और इसके कितने तरीके होते हैं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं, क्योंकि अच्छी बॉडी तो हर कोई बनाना चाहता है, लेकिन बॉडी बनाने के चक्कर में कई लोग कई बार अपनी बॉडी खराब भी कर बैठते हैं। यहां तक कि हाल ही के दिनों में ऐसी खबर भी सामने आ रही है जिसमें प्रोटीन के चक्कर में लोगों की जाने जा रही है। असल में दोस्तों जो प्रोटीन होता है उसे खाने से हमें मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज बनाने में मदद मिलती है। प्रोटीन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है वे, क्योंकि ये गाय के दूध से बनता है, इसीलिए ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। नेचुरल खाने की तुलना में प्रोटीन पाउडर के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में जो लोग सही खुराक नहीं ले पाते हैं या जिनका रेगुलर डाइट सही नहीं होती है, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जिनके भोजन में प्रोटीन की कमी है, और खास तौर पर जिम जाने वाले लोग, इन सभी को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए डॉक्टर भी वे प्रोटीन लेने की सलाह देते हैं। प्रोटीन पाउडर खाने से मसल ग्रोथ होती है और जब लोग जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद मसल्स काफी थिक हो जाती है और टिश्यूज ब्रेक हो जाते हैं, तो उन मसल्स को रिकवर करने के लिए बॉडी में प्रोटीन की जरूरत होती है, जिससे उन्हें ग्रोथ और रीजनरेशन में मदद मिलती है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।